कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष रामलीला रावण दहन कार्यक्रम पर प्रतिबंध और रद्द करने के अंतर्गत रामलीला के पात्रों द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस वर्ष कोरोना वायरस की महामारी अंतर्गत सरकार द्वारा हर एक उत्सव पर्व और जाहिर कार्यक्रम पर प्रतिबंध लादा गया है, तो वहीं दशहरा पर्व अंतर्गत कोरोना वायरस की महामारी के कारण रामलीला और रावण दहन कार्यक्रम को भी रद्द किया गया। लेकिन पिछले 40 वर्षों से निभाई जाती ये रामलीला कार्यक्रम अंतर्गत इसे खंडित नहीं करते हुए रामलीला के पात्रों द्वारा कल शाम सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रामलीला के मुख्य पात्रों द्वारा 15 मिनट की सांकेतिक रामलीला आयोजित की गई थी और भगवान की प्रार्थना करते हुए कोरोना की महामारी जल मूल से नाबूद हो वैसी मंगल कामना की थी। सत्य पर असत्य पर सत्य ने विजय थाई छे એટલે વિજય દે આ વખતે તો કોરોના છે એના લીધે કે વિશ્વ બધાનું જ કલ્યાણ થાય અને બધાનું જ સારું થાય એ ઈચ્છા રાખી હતી। અને રામના શરણમાં પ્રાર્થના કરું છું કે વિશ્વનું કલ્યાણ થાય, આખા જગતનું, જાતિવાદીનો કોઈ ભેદ નહીં, આખા વિશ્વ એટલે આખું વર્લ્ડ આવી ગયું છે। અને મને આનંદ થશે અને જે પણ કઈ થશે એ રામના નામ પર થશે અને જે રામના નામથી જે પણ જે કોરોના રૂપી રાક્ષસ ને મારવા નાથવામાં જે સહાય કરશે એ રામ જ કરશે। विनती करू जय श्री राम। मारा नाम विनय दिघे,